नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां हो रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए जहां 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि किसानों की विगत 3 वर्षों की सभी समस्याओं को हल कर दिया गया है और उनका प्रयास है कि खरीदी होने के बाद शीघ्र ही समितियों को उनके कमीशन का भुगतान कर दिया जाए। उनका प्रयास है कि किसी भी प्रकार की अमानक धान की खरीदी ना की जाए और ना ही बाहर से आने वाली धान जिले में बिके, इसके लिए अलग से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अगर किसी भी समिति में इस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि गत दिवस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओम कामता वेयर हाउस की धान अमानक पाई थी, जिसके सर्वेयर शुभम सिंह की सेवाएं समाप्त की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प को, उन्होंने पूरे खरीदी और की जा रही कार्यवाही के साथ भुगतान को लेकर क्या कहा है। सर, धान खरीदी को लेकर काफी शिकायतें थी, इस पर जांच कर कुछ कार्रवाइयां की गई क्या? धान उपार्जन का काम 124 सेंटर्स पे चल रहा है और 2500 मैट्रिक टन के आसपास धान का उपार्जन भी हो गया है। हम लोग लगातार किसानों के खाते में पैसा आ जाए इसके अभी प्रयास कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में भी आ गई है और हमारी कोशिश ये है कि हमारा धान का जो उपार्जन हो उसमें एक तो क्वालिटी मेंटेन हो, एक्चुअल जो किसान हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स इसके लिए लिंक किए गए हैं उस पर, और जो अच्छी क्वालिटी के धान हैं वही लिए जाएँ ताकि वही धान फिर रोटेट होकर PDS में चावल के रूप में वितरित होता है, और प्रत्येक दिन जो उपार्जन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस किया जाए और जल्दी से जल्दी जो किसान है उनके खाते में वो राशि आ जाए और बाद में फिर हम जो उपार्जन करने वाली समितियां हैं और जो गोदाम हैं उनके कमीशन उनके खाते में डालें ताकि व्यवस्थित रूप से ये इशू उपार्जन के पीरियड में ही ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों के जो इशूज़ थे वो सारे रिजॉल्व कर दिए हैं और इस बार भी हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में आ गई है और शेष राशि भी उपार्जन खत्म होने के 1 सप्ताह के भीतर उनके खाते में आ जाएगी, ये हमारी कोशिश है। जो बाहर के सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर पहले भी शिकायतें रही हैं, इस बार हम लोगों ने वहाँ पे बेहतर व्यवस्था लगाने की कोशिश की है। जो अधिकारी लगाए गए हैं निरीक्षण करने के लिए या सर्वेयर के रूप में लगाए गए हैं उनको लगातार रोटेट भी कर रहे हैं और इसके बाद भी जहाँ कोई लापरवाही की या ऐसी सहभागिता की शिकायतें मिल रही हैं हम वहाँ पर सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो ऐसा धान है जो उपार्जन के योग्य नहीं है या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसानों का धान नहीं है या रीवा जिले में उपार्जित किसान नहीं का धान नहीं है तो उनको हम जब्त भी कर रहे हैं, उनको अलग भी कर रहे हैं और जिन अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है जो गंभीरता से अपना काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। फोटो वीडियो दे दीजिएगा मुझे। बोरी है तो लिखवा दीजिए कितना वजन है। हो गया जो दे दे। 60 बोरी है।